हवन तैयार हुआ और जैसे हवन कुंड में आहुति लगी है, श्रोता बंधु संत महात्मा विराजमान थे और जब दुर्गा मैया के नाम की आहुति लग रही थी और अग्नि जब प्रचंड हुई है, वचन क्या दिया था माने कि तुम्हारे घर एक लड़की आएगी और वो लड़की ऐसी होगी जो पृथ्वी का भार कम करने का काम करेगी। श्रोता बंधु जिस समय हवन कुंड से अग्नि जल रही थी और उस समय ना पल भर की समय भई और चक्करदार लगाई है दुर्गा मात चली बढ़ के बड़ी हवन कुंड में आई है। राजन सुनियो ध्यान लगाई सबकी आंखें बंद भई अरे अब धुआं उठाय बंधु तो आज दुर्गा मैया ने चक्कर लगाया हवन कुंड और जिस समय उस काया को लेकर के अग्नि में गई है और जाकर सबकी आंखें बंद रही एकदम चमक मारी बल्ली डोकर आंखें पर तुम देखी कभी बिल्डिंग की चमक मारे तो बंद हो जाती है। जैसे दुर्गा मैया की कृपा से नेत्र बंद हुए और जब सब सभा के नेत्र खुले जो ऋषि बैठे थे ब्राह्मण बैठे थे एकदम धुआं को गुब्बारों फोड़ दिया और तब दूजी बार जब नजर खुली चप्पल पैरन में धारी है और अग्नि कुंड में खड़ी भई देखी एक राज कुमारी है ताला भोत मनायो मोद अरे राजा दानी खड़े भाई अरे सोई लंबी करी दई साधारण चट्टी नहीं थी पैरों चप्पल पहनी हुई थी और जब वो कन्या निकल के खड़ी हुई तो आज राजा और रानी दोनों ने हर से दोनों हाथ आगे कर दिए हैं। श्रोता बंधु जब दोनों हाथ आगे हुए हैं और तब आवाज आ रही है आकाश से क्या और ये 50 रुपए का पुरस्कार ओमकार नेताजी उनकी तरफ से है क्या घुमाई घुमाई घुमाई
वो काल उम्र की कन्या बनी है। और आवाज क्या आई है, ऐसे कदम कर धरती पे, अरे धरती पे तेरी धार मिटाई मिटाई यही बेटी वो शक्ति पर कर्म करेगी जब संसार से पृथ्वी का भार और क्या करें, कन्या देखी है गोद में होगा। अब महाराज विचार कर रहे हैं क्या दूसरा वरदान और मिला था। दुर्गे मैया ने दूसरा वचन यह दिया था, एक बेटा पैदा होगा जो तुम्हारे आपसी दुश्मनी के बदले को पटाएगा। ध्यान रखना, उस हवन कुंड से लड़की तो निकल के आ गई थी, लेकिन जो बेटा पैदा हुआ था महाराज द्रुपद के यहां उस हवन कुंड से, आज वो बेटा कहां से आता है, कैसे? अरे मारा गया था, एक कटोरा पानी और एक कटोरा पानी के पीछे मारा गया नरसिंहराज पठान। और ये 50 रुपए का पुरस्कार दिव्यांश की तरफ से है। और ये
100 रुपए का पुरस्कार हमारे बड़े भ्राता अवधेश शास्त्री जो इसी गांव के रहने वाले हैं उनकी तरफ से हूँ। हम अपने अवधेश शास्त्री जी को आशीर्वाद दे रहे हैं और एक बेटा सुझाव दे रहे हैं कि इस समय शास्त्रियों में किल्पबाजी से एक दूसरे के ऊपर दोषारोपण हो रहा है, बहुत अच्छा हो रहा है। किसी के बारे में एक शब्द बोलना हो जो वो आपस में लड़ रहे हैं, वो अपना प्रचार कर रहे हैं झगड़े के माध्यम से कि हमारे इस लड़ाई को ज्यादा से ज्यादा लोग देखें तो हमारा नाम फैले। देखा होगा तुमने जिनके बीच में लड़ाई हुई यूट्यूब के माध्यम से, उनके फैसलों है थे ए तो है थे रबड़ी खाई आपस में और संसार के बच्चों को दिखा दिया था।